हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है टेक सुपरमैन। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं टेक न्यूज का दूसरा एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम लोगों का पहला न्यूज है वो आ रहा है BSNL की तरफ से। BSNL ने लॉन्च कर दिया है ईद मुबारक ऑफर और ये प्लान है 786 का। और इस प्लान पे ये लोग ऑफर कर रहे हैं 150 डेज के लिए पर डे 2 GB के हिसाब से 300 GB डेटा। हाँ दोस्तों, 300 GB डेटा वो भी सिर्फ 786 रुपये में। अच्छा प्लान है और ये प्लान लॉन्च हो चुका है June 12th से। तो जाइए जल्दी से रिचार्ज कर लीजिए। और हाँ, ये प्लान बहुत ही अच्छा है और BSNL लास्ट ईयर से बहुत अच्छा अच्छा प्लान लॉन्च भी कर रहा है। और उन लोगों का दावा है कि लास्ट ईयर उन लोगों ने 12 लाख कस्टमर्स पोर्टिंग कर लिया है। और अगर BSNL ऐसा अच्छा अच्छा ऑफर निकालता रहेगा तो कस्टमर्स उनके नेटवर्क पे आते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रहा है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है उन लोगों का ChromeBook प्लस V2 का वर्जन US में, और जो कि लॉन्च हुआ है S Pen टेक्नोलॉजी के साथ। और ये सेल पे होगा June 24th से। इसका कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें होगा क्रोम OS, इसमें बिल्ट इन पेन है, स्लिम एंड स्लीक डिजाइन होगा इसमें। इसका जो स्क्रीन होगा वो टच स्क्रीन डिस्प्ले है, 1080x1920 पिक्सल का है। 4 GB का रैम होगा इसमें, 32 GB का इनबिल्ट स्टोरेज है एंड इंटेल HD615 ग्राफिक्स कार्ड भी होगा इसमें। फोटोज के लिए इसमें बैक में दिया हुआ है 13 MP का कैमरा विद f1.9 एपर्चर, एंड फ्रंट कैमरा होगा इस पे 1 MP जिसके साथ आप सेल्फीज भी ले सकते हैं और वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस पे होगा 2 USB-C टाइप पोर्ट्स, 1 USB 3.0 का पोर्ट, 1 microSD कार्ड रीडर एंड 1 3.5mm जैक। और दोस्तों, इसका प्राइस होगा अराउंड $ के हिसाब से अगर हम बात करें तो $500, और अगर हम इंडियन मनी में बात करें तो होगा करीब करीब 34,000 के आसपास। आगे बढ़ते हैं। आगे का न्यूज जो है वो है OnePlus की तरफ से। OnePlus ने सेल कर दिया है उन लोगों का OnePlus 6 डिवाइस, 10 लाख डिवाइस, और वो भी सिर्फ 22 दिनों में। हाँ दोस्तों, 22 दिनों में इन लोगों ने सेल कर दिया है 1 million डिवाइसेस। अगर हम कंपेयर करें OnePlus के 5 या OnePlus 5T जो कि इसका पहले का वर्जन था, तो उसमें सेम अमाउंट यानी 10 लाख फोन सेल करने में लोगों को टाइम लगा था करीब करीब 3 महीना, जिसके अगेंस्ट में सिर्फ 22 दिनों में OnePlus 6 बिक चुका। और बहुत बढ़िया सेल के चलते OnePlus ने एक बहुत ही बढ़िया ऑफर भी दिया है इन लोगों के कस्टमर के लिए, जो कि स्टार्ट हो गया है June 15th से और जो चलेगा 12 दिनों तक। इस ऑफर का नाम है कम्युनिटी सेलिब्रेशन सेशन ऑफर। और इस ऑफर में आपको मिलेगा, आप अगर कोई भी OnePlus का फोन खरीदते हैं या फिर कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें मिलेगा 2000 का कैशबैक सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के ऊपर, और नो कॉस्ट EMI का ऑप्शंस भी मिलेगा इस पे। एडिशनल आपको मिलेगा 1000 रुपए का एक्सचेंज वैल्यू। अगर आप कोई पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं तो एक्स्ट्रा 1000 रुपए का आपको एक्सचेंज वैल्यू मिलेगा। 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी चल रहा है OnePlus के स्पेयर पार्ट्स पे। और OnePlus ने अनाउंस भी कर दिया है ऑक्सीजन OS 5.1.8 जो कि इंडिया में लॉन्च हो जाएगा नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट न्यूज है नोकिया की तरफ से, और ये बहुत ही एक सैड न्यूज है नोकिया कस्टमर यूजर्स के लिए, क्योंकि नोकिया 7 प्लस जो यूजर्स है उन लोगों का क्लेम है कि जून मंथ के अपडेट के साथ ही उन लोगों का एंड्रॉयड वर्जन डाउनग्रेड हो गया है। उन लोगों का एंड्रॉयड वर्जन एंड्रॉयड पी से हो गया है एंड्रॉयड ओरियो, जो कि एक बहुत ही बुरा न्यूज है, बट क्या कह सकते हैं, इट्स लाइफ। लेकिन नोकिया ने ये क्लेम किया है अगर कोई कस्टमर फैक्ट्री रिसेट करता है तो वो फिर से एंड्रॉयड ओरियो में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपके साथ अगर ये होता तो आपको कैसा लगता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है शाओमी की तरफ से। शाओमी ने ऑलरेडी रोल आउट कर दिया है उन लोगों का नया MIUI 10 बीटा वर्जन ग्लोबली, और इसके सपोर्टेड फोन्स अगर आपके पास है तो जरूर चेक कर लीजिए कि आपके फोन में आया है या नहीं। तो मैं उसके मॉडल्स के बारे में बता देता हूँ, जरूर चेक कीजिएगा। MI Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Redmi S2, MI Note 5 और Redmi Note 5 Pro, जो कि इंडिया में अवेलेबल है। तो जल्दी से दोस्तों MIUI 10 का एक्सपीरियंस लीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि एक्सपीरियंस कैसा है। नेक्स्ट न्यूज है ब्लैकबेरी की तरफ से। ब्लैकबेरी ने अनाउंस किया था कुछ दिन पहले ही उन लोगों का ब्लैकबेरी Key 2 फोन,
और इसी के चलते शायद उन लोगों ने ब्लैकबेरी की वन फोन जो अमेजन में अवेलेबल है उसका प्राइस घटा दिया है करीब करीब 6,000 रुपये। हाँ दोस्तों, ये अमेजोन पे जो फोन अवेलेबल था वो था करीब करीब 40,000 का, और जो अभी 6,000 रुपये कम हो गया है अराउंड 34,000 के आसपास, और ये अवेलेबल है अभी भी अमेजोन पे, पता नहीं कब तक अवेलेबल रहेगा। तो अगर आपको खरीदना है जल्दी से जाइए खरीद लीजिए। और जो ब्लैकबेरी का की 2 आने वाला है फोन, उसका कुछ फीचर्स, स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर होगा इसमें, 6GB का रैम होगा, 128GB का स्टोरेज होगा, ड्यूल कैमरा के साथ इस पे होगा, 35,000 का बैटरी, एंड इसका प्राइस रेंज कुछ होगा 40,000 टू 45,000 तक। नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है MI की तरफ से। MI ने इंडिया पे आज ही लॉन्च कर दिया है कुछ अमेजिंग प्रोडक्ट्स, जैसे MI पेन, MI चार्ज केबल, MI ट्रेवल यू शेप पिलो, आई लव MI टी शर्ट। तो MI रोलर बॉल पेन जो है उसका प्राइस रखा है इन लोगों ने 179, MI बैंड 2 चार्ज केबल का प्राइस है 129, MI ट्रेवल यू शेप पिलो का प्राइस है 999, एंड आई लव MI जो टी शर्ट है उसका प्राइस है 399। तो दोस्तों जरूर खरीदिए। नेक्स्ट न्यूज है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का गियर S4 अनाउंस कर दिया है सैमसंग ने। हाँ दोस्तों, गियर S4 लॉन्च होने वाला है। यह लॉन्च होगा सैमसंग नोट 9 के साथ ही। और इसका और एक न्यूज रूमर्स में है कि सैमसंग गैलेक्सी S4 में बिगर बैटरी होगा, और बिगर बैटरी का मतलब है ज्यादा दिन का बैकअप, जो कि बहुत ही बढ़िया न्यूज है। तो दोस्तों जस्ट वेट एंड वॉच, आगे जो भी न्यूज आता रहेगा हम लोग आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज जो है सैमसंग की तरफ से ही है। सैमसंग ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है गैलेक्सी S9 सनराइज गोल्ड वर्जन, और जो कि ओनली अवेलेबल है 128GB के वेरिएंट में, जिसका प्राइस है अराउंड 68,900। आप इसको प्री ऑर्डर कर सकते हैं सैमसंग के ऑफिशियल साइट पे या फिर फ्लिपकार्ट पे, और इसका शिपिंग चालू होगा जून 28 से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं कल और भी बहुत सारे एक्साइटिंग न्यूज के साथ। बाय बाय।